आज मैं वापस आ गई हूँ और आरव भी। आज हम बताने वाले हैं दिवाली के लिए डेकोरेशन। दिवाली हमारे बहुत ही नज़दीक है, तो आज हम सोच रहे हैं हम दिवाली डेकोरेशन के लिए क्या करें। तो हमने सोचा आरव और मैंने कि हम है ना, हमारे पास बहुत सारे दिए थे तो इनको डेकोरेट करते हैं, बट हमारी उलझन थी क्या ऐसे डेकोरेट करें। तो आरव ने मुझे आइडिया दिया कि हम पेंट करते हैं और हमारे पास जो स्टोन्स, राइस और पेंट कलर्स हैं इनसे यूज़ करते हैं और इनको डेकोरेट करते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें इसके लिए चाहिए दिया। दिया आपके पास छोटा दिया हो या बड़ा दिया हो वो भी चल सकते हैं। और आपको चाहिए स्टोन्स, आपके पास जोन से भी, चाहे आपके पास मोती वाले हो या फिर ऐसे मिरर टाइप के, कोई भी चल सकते हैं। और हमें चाहिए ग्लू, पेंट कलर्स आपके पास जोन से भी अवेलेबल हो। और ये राइस कलरफुल, अगर आपको नहीं पता ये राइस कैसे बनते हैं तो इसमें मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जिस वीडियो का नाम है हाउ टू मेक फोटो फ्रेम विद राइस, उसे देख लेना। और हमें चाहिए ग्लिटर जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं, अगर ना हो तो ये स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगे। और हमें चाहिए पेंटिंग ब्रश। बस तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसको पेंट करेंगे। मैं अंदर की तरफ रेड करूँगी और बाहर की यहाँ लाइन से मैं येलो करूँगी, तो मैं कर देती हूँ पेंट। तो देखिए मैंने कर दिया है यहाँ की तरफ येलो और अंदर की तरफ रेड, पीछे की तरफ से भी कर रखा है मैंने। अब फ्रेंड्स हम यहाँ साइडों में स्वास्तिक बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे के स्वास्तिक बना दिए हैं, यहाँ अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया है। और आरव यहाँ दूसरे दिए पर पेंट कर रहा है ग्रीन कलर का। चलो आरव आप करो। अब आप इसको ऐसे सजा सकते हो और इस पे पेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। कितना प्यारा लग रहा है, क्यूटी क्यूटी। फ्रेंड्स आप इन मिरर्स को कहीं पर भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये दिया तो रेडी हो गया है। अब आरव जिस दिए पे को पेंट कर रहा है उसका भी हम देखेंगे कैसे डेकोरेट करते हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा स्वास्तिक बना हुआ। तो चलिए अब आरव का देखते हैं आरव ने क्या पेंट करा है। भाई दीदी मेला हो गया। वाओ आरव आपने तो बहुत अच्छा पेंट कर दिया। मैं अभी फ्रेंड्स को कह ही रही थी कि आप देखते हैं आरव का, आपने तो कर लिया बहुत जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इनको सजाते हैं। आरव ने अच्छा पेंट करा है ना, तो इसलिए एक लाइक कर देना। अच्छा ये मोती कहेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं मोती पर ग्लू लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए हॉट ग्लू यूज़ करनी होगी। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है, आप फेविकॉल यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आपको थोड़ा बैलेंस देना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसके लिए हमें वेट करनी पड़ेगी क्योंकि आरव ने इतनी ज़्यादा ग्लू लगा दी है। अब फ्रेंड्स आप इस पर कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हो। आप ऐसे स्नेक टाइप का दे सकते हो, ऐसे सीधी लाइन का, या फिर आप ईयरबड्स को यूज़ करके ऐसे ऐसे डॉट भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लाइन यूज़ कर दी है। अब मैं ईयरबड्स से ऐसे डॉट डॉट लगाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस लाइन के ऊपर डॉट डॉट करूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लीफ टाइप से के बना रही हूँ यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे एक नीचे
डेकोरेट यहाँ ऊपर। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं, एक मैं बीच में यूज करूंगी और एक यहाँ येलो के नीचे और इसके ऊपर। फ्रेंड्स ये तो रेडी हो गया है। और देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे भी ईयरबड्स यूज करे हैं, यहाँ यहाँ पे डॉट के लिए। इस दिए में हमने दादा कर ईयरबड्स यूज करे हैं। आपको अच्छा लग रहा है ना, ये तो आरू ने बनाया है और ये मैंने। आप बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जो बताना। फ्रेंड्स इस बार तो हमने बिग दिए यूज करे थे, अगली वीडियो में हम स्मॉल दिए भी यूज करके आपको तो हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ और इस बार हमने बिग दिए यूज करे थे ना, अगली वीडियो में हम छोटे दियो को डेकोरेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड बाय बाय बाय।